जो बच्चे थे काले चोर ले गए प्यारी नानी प्यारी। मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका मिलने ब्लॉग में। दिन के साथ शुरुआत के साथ और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। यहाँ तो टाइम का पता नहीं चल रहा यार, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही। टाइम मतलब ऐसे निकलता ना अंदर कुछ पता नहीं चलता। तो अभी हो गए हैं 10:30 हो गए हैं और आज संडे, जैसे आपको बताया, तो आज हमने बनाए हैं सवेरे आज बने हैं चावल। हटो बहन जरा, तो चावल बने हैं, साथ में बनी है आलू की खिचौड़ी जो कि हम थोड़ी देर में खाने वाले हैं। तो मेरी नाक का फोन आया कि मिनटा खाने बना आलू की खिचौड़ी और भात, पहले वो खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है? फिर साथ एक प्रैंक कर दे, मैं डर गई थी। कर दे दे हाथ करो, और मैंने ऐसा हाथ किया और इसने भाई इतनी मार दिया। चुप तो नहीं है क्या? अच्छा प्लास्टिक का है क्या इसमें? हो गया था कि क्या कर दिया इसने, इसने कहा हाथ कर, ऐसे किया ये अंदर चला गया। सही है यार, किसी को ड्रामे के लिए ठीक है ना? हाँ, मेरा कुरकुरे पकड़ा है मैं पढ़ ले। मैंने कहा खेलने नहीं जा रहा, कहता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, अभी सोनू ट्यूशन पढ़ा रही ना बाहर, तो इसलिए वो अंदर बैठा हुआ है, वो नहीं पढ़ता सोनू के पास। मंजवन जब बिछा रखा था दानी के लिए धूप सीखने के लिए, ताकि धूप वगैरह सीख जाए अच्छे से, पर अब मम्मी उसको अंदर लेगी तो मैं उसको अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि वो सो गया है ना, तो अब धूप रख के क्या करना उसको, फिर अंदर मम्मी उसके साथ आ लेगी। सोनू वगैरह है अंदर, तो मैं भी चलती हूँ अंदर, ये दे के आपके रजाई, फिर मैं बाहर बैठ जाऊँगी धूप सेकने थोड़ी देर के लिए। चलेगी अपना संतरा लेके बाहर, ये हम घर से लेके आए थे गाँव से, तो अभी चलते हैं बाहर। धूप की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, धूप यहीं पर आ गई, धूप इधर इधर करके इधर इधर आती रहेगी ना। मम्मी भी आ गई है, मम्मी अंदर चली गई, कपड़े यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हुए धूप में बाहर, और हम सारे यहाँ पे माल्टे खा रहे हैं, मैं भैया पिंकी। तो गाइस मैं ऊपर आई हुई थी काम करने के लिए, और अब नीचे चलती हूँ, चाय बाय पीते हैं। मेरा श्वानी गोटिया होगा सो रखा था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा काम कर रही थी। तो ये तो आज कोई शिफ्ट हुआ नहीं ना ऊपर, कोई आया था ना, हमारा कमरा तोड़ दिया यहाँ पे, शिफ्ट करते करते बेड लेके आए ना इधर से, तो यहाँ पे कमरा टूट गया। मेरा स्वामी देखते हैं उठाए कि नहीं उठाए। आज तो पापा की छुट्टी है संडे, आज मेरी मम्मी और बाहर बैठ के स्वेटर बुन रहे हैं। पोटी साफ कर रही है, मन से पोटी साफ कर रही है। मेरा डिंडी कैसे देख रहा है आपको? हंसो 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 भाई हंसो 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 गोला। 5 बज रहे अभी और सारे रजाई के अंदर बैठ गया। देख लो भाई आपको ठंडी लग रही, गोली किसी गोला ठंडी 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 लग रही। नहीं बोल, कोई मुझे कह रहा था सर पर बाल का, मैं मुझे नहीं लग रहा इसका सर पर बाल का। तुम गंदे हो, सारे गंदे, गोला के सिवाय सारे गंदे। अनु अनु भाभी क्या कर रहे मेरे गोलों को? इसे बोले आपके सिर पे है बाल? किसके सिर पे है? कहा मामू आपको लगी कि पहले की फोटो दिखा देगा, इसमें बताना है। अभी और शक्ल देखो इसमें है ना, ध्रुवी से मैच करता हुआ बच्चा ये। तभी वो थमकी लकी की शक्ल लेके आया है, और वैसे भी कहते हैं मामा की शक्ल जो बच्चा लेके आता है ना किस्मत वाला होता है, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली बच्चा। मामा का लंगूर है, लंगूर बजरंग बली बजरंग बली है ना, आप भी बना गए बजरंग। मम्मी देखते हैं, मेरे को देखते हैं, किन देखते हैं? गोलू शानी शोनू नहीं देख रहा हूँ, मम्मी को देख रहा हूँ सुंदरी। मुझे भी नहीं देख रहा अभी, उसका ध्यान तो नानी पे है। नानी मेरी नानी कब बोलेगी, कब बोलेगी नानी? नानी के साथ बातें करूँगा आना। बाहर बैठा हूँ और कोई नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं अंदर आ गई।
सारे फोन में बिजी हो रखे। आप क्या कर रहे ब्लॉग देख रहे? मम्मी तो जैकेट पहनने क्योंकि शाम शाम को तो थोड़ी बहुत ठंड हो ही रही है यार। दीदी मेरे भैया ने फटा नोट दिया, मैंने इस पर टेप चिपका दी ट्रांसपेरेंट। ये वाले काम सही है भाई, बीस रुपए का नोट दिया भैया ने इसको, इस पर थोड़ा सा वो हो रखा था क्या, फटा खा था चिपका दिया। चले अबे अबे वो चिपका उसमें नहीं नहीं चल जाएगा। धोखा दे रहे हो तुम सब उनको दुकान। मैं पता कैसे दूंगा इसको, ऐसे फोल्ड किया ऐसे किया तो बता दो ना फिर की 20 रुपए से लिया क्या तूने पागल। ये परेशानी अभी गाने सुन रहा था, गाने सुन रहे थे आप, गाने सुन रहे थे। मम्मा को इग्नोर क्या पार्क आए हुए थे और यहाँ पे कितनी झाकी हो रही है चिड़िया की, पता नहीं चिड़िया नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ पे बैठी हुई है इतनी सारी। और साथ में क्या बोलते हैं, हम दूध लेने आए हुए थे यहाँ पे मार्केट में, अब निकलते हैं घर को। ऐसे कर पहले, ऐसे करो यार, ऐसे कैसे ऐसे जैसे मैंने मुट्ठी कर किया इधर को मारो। घर वाल बस आनी बिकारी पहले माँ दो निकाल लो एक मिनट से लो मैं इसको दे दिया मैंने जो भी पहले आ जाती है ये आसानी ये आपकी गुंडी ले मैं खाना बना रहे बैठे पापा से हर मम्मी मम्मी बैठक के सच्चाई नहीं बतानी लोगों को फिर लोग बोलेंगे कि तुम्हारे पापा खाना बना रहे हैं, तुम्हारी मम्मी बैठी है गोला को खिला रहे हैं, मम्मा गोला को खिला रहे हैं। उसका ध्यान पता क्या है उसमें, मैच में भाई मैच में मैच देख रहा है बंदा, मैच देख रहा है ना। इसलिए पापा बना रहे हैं आज खाना, आज मम्मी की छुट्टी है ना, मम्मी खाना बनाने से बस सवेरे मम्मी ने बनाया था। मम्मी की छुट्टी, मम्मी का आशीर्वाद लेने की छुट्टी। अच्छा लग रहा है, तेल तो आप लगाते हो नहीं, मम्मी छुट्टी है ना गोला किसकी नानी है, मेरी नानी, वो ऐसे बोल मेरी नानी, मेरी नानी प्यारी नानी मेरी। उसका ध्यान मम्मी पूरा मैच पे मैच दिख रहा है। बच्चे थे काले चोर ले गए प्यारी नानी गुस्सा मुस्सा छोड़ दो जल्दी से दो पैसे दे दो ये कंजूसी छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। अच्छा बोलो ये सो क्यों था ना, ऐसा बड़ा हो जाऊंगा तब देखेगा कि बोलेगा मेरी नानी ने क्या बोला, नानी क्या बोल रही थी है ना। बहुत खुश होता वैसे। अरे कैसे यार ये मम्मी पता कब कही आपको, कब कही
देखो आपको दिखा देखा नहीं लग रही है, जिस दिन ये हुआ था उस दिन पहले अच्छा, तो ये हाथ बंद नहीं हुआ इसके। नहीं तो यहाँ से ये है ना, इसको हम हटा सकते हैं। हाँ, ये वाला पहना वो जाने। याद है? मैच चल रहा है और यहाँ पे मम्मी छोटू के साथ खेल रही है और यहाँ पे मेरा भाई पढ़ रहा है और पीछे खुशी सोनू है। पापा खाना बना रहे हैं, आज पापा स्पेशल डिश बना रहे हैं कुछ, इसलिए पापा ने कुकर वुकर चढ़ा रखा है और साथ में धनिया वनिया काट रखा है। बस रोटी मम्मी बनाएगी ना पापा? खाना तो बोलो। पापा कम बोलते हैं, हम सब में से ना मेरा मुंह मेरी मम्मी की तरह हो गया, मतलब मैं तेज बोलती हूँ। बाकी मेरी जो छोटी वाली बहन है, कौन सी वाली, सन्नू जो मेरे बाद है, वो पापा के जैसे वो फिर कम बोलती है। फिर खुशी वो बीच बीच वो पता नहीं किस पे गई है, वो तो अलग ही बोलती है, वो ना ज्यादा बोलते ना कम बोलते है। और फिर लक्की फिर मम्मी पे गया है, हम दो तीन हम तेज है इस कम में, है ना बोलने के लिए, बोलने के लिए। अब मेरा बोला भी इतना होगा ना कि अपने पापा जैसा होगा, डर रहा होता मेरे से। ठीक है पापा पे जाइयो, पापा पे जाइयो। तो चलो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय।